गाइस मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं पीयू टेक। यार आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यार पहली बार हम लोग एक ब्लूटूथ स्पीकर का रिव्यू करने जा रहे हैं। और ये जो स्पीकर है यार, ये सही में बीस्ट है। चाहे आप इसकी बैटरी की बात करें, चाहे आप इसकी बिल्ड की बात करें, चाहे ऑडियो क्वालिटी की बात करें। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे आपको सब डिटेल में। तो यार ये रहा हमारा बॉक्स, रेड कलर में आता हुए, स्टोन 1500 मेंशन है, रोर विद द बीस्ट। तो यार ये है मेन टैगलाइन जो बोट यार यहाँ पे मेंशन कर रहा है अपने बॉक्सेस के ऊपर। पीछे देख लेते हैं हमें क्या हाइलाइटिंग फीचर मेंशन है। तो यार मैं देख रहा हूँ ऊपर हमें 40 वॉट्स का आउटपुट दिया जा रहा है, एक स्ट्रैप दिया जा रहा है फॉर हैंडी पर्पसेस, कॉलिंग का फीचर है इसमें, और भी बेसिक फीचर मेंशन है जैसे कि ट्विन फीचर, बैटरी लाइफ, IP6 रेटिंग और कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं। तो यार चलते हैं हम अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ। इसको मैं ऊपर से खोल लेता हूँ, ऊपर की सेक्शन में देखते हैं क्या रखा है। एक वाइट कलर का बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम खोल लेते हैं। यहाँ से खुलेगा तो देख लेते हैं हम इसके अंदर हमें क्या चीज़ रखी हुई है। तो यार ऊपर हमें एक डॉक्यूमेंटेशन मिल रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का। ये है स्ट्रैप जिसके बारे में पीछे मेंशन था। स्ट्रैप तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, क्लिप क्वालिटी भी बढ़िया है। इसको मैं आगे बताऊंगा आपको किस तरीके से लगाना है और यूज़ करना है। तो यार इसको अभी मैं साइड में रख देता हूँ और देख लेते हैं और क्या क्या है बॉक्स में। तो साथ में हमें वारंटी गाइड दी गई है, वारंटी गाइड नहीं है ये, कुछ और है। हाँ ये है वारंटी कार्ड। तो और देख लेते हैं और क्या है। कुछ केबल्स हैं यहाँ पे, ऑक्स केबल और चार्जिंग के लिए USB टाइप सी केबल है। तो अब इन सब चीज़ों को मैं साइड में रख देता हूँ और अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ आता हूँ, जो कि है हमारा स्पीकर। इसको मैं निकाल देता हूँ, एक मिनट। हाँ निकल गया। हाँ तो इसको साइड में रख देता हूँ बॉक्स को। ये मेन स्पीकर है, इसके अंदर रखा होगा। हाँ तो ये हमारा स्पीकर, इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो यार ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है अभी फ्लिपकार्ट पे, काफ़ी बढ़िया डील है। और ये 1400 बोट स्टोन 1400 का सक्सेसर है। अब यार बोट की ब्रांडिंग हमको साइड में भी मिल जाती है बेस रेडिएटर्स के ऊपर। तो यार इन हैंड फील्ड में मैं कहूँगा काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सॉलिड है। यार बात कर लेते हैं अपने स्पीकर के डिज़ाइन की तरफ। तो यार ये फ्रंट पैनल में हमको यहाँ पे प्ले पॉज और मोड चेंजिंग बटन दिया हुआ है। यहाँ पे हमको वॉल्यूम इंक्रीज़ करने के लिए भी बटन दिया गया है और वॉल्यूम डाउन करने के लिए भी बटन दिया गया है। साथ में हमको एक पावर स्विच भी दिया गया है और एक नोटिफिकेशन LED। अब यार पीछे की तरफ हमको यहाँ पे एक ओपनिंग दी गई है, जिसको खोल के आप देख सकते हैं आपको USB पोर्ट, चार्जिंग इन पोर्ट और ऑक्स केबल लगाने के लिए भी दिया है। तो यार बात कर लेते हैं हम इसकी बैटरी लाइफ की। तो यार बैटरी हमें 4000 mAh की मिल जाती है, जो कि यार मैं कहूँगा सफिशिएंट है। और यार बात कर लेते हैं इसके ट्विन फीचर की। तो यार ट्विन फीचर के कारण हम लोग दो सेम स्पीकर को कनेक्ट करके ऑडियो आउटपुट बढ़ा सकते हैं। और यार साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो मैं काफ़ी इम्प्रेस था। और यार आपको मैं एंड में इसका टेस्ट दूंगा, तो आप भी सुन सकते हैं। और यार बेस की मैं बात करूँ तो बेस ब्लूटूथ में काफ़ी अलग होता है, बट यार इसका एक नेक्स्ट लेवल का बेस है, जो कि आप इसके पैसिव रेडिएटर के मूवमेंट से ही देख के पता लगा सकते हैं। तो यार ये जो स्ट्रैप हमें दिए गए थे, इसको मैं बताता हूँ आप कैसे इस पर लगा सकते हैं। तो इसकी जो क्लिप है, आप सिंपली उसको प्रेस करेंगे और ये आप इधर पे लगा सकते हैं, लग गया। और दूसरी वाली भी क्लिप हम इसी तरीके से लगा देंगे। ये इधर मैंने इसको दबा के इधर फंसा दिया है। तो यार मैं ये जो स्ट्रैप है, इसके कारण आपको इसे कैरी करने में काफ़ी ईजी होगी। और मैं आपको बता दूं, स्ट्रैप क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो कि ये बड़े स्पीकर के लिए इनफ है। तो यार अब बात कर लेते हैं मोड्स की। तो यार आप मोड बटन को दो बार प्रेस करके इंडोर और आउटडोर मोड में स्विच कर सकते हैं। तो यार अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो
तो जिस तरीके से आप दूसरे ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, उसी तरीके से ब्लूटूथ स्पीकर को ऑन करके अपने मोबाइल के ब्लूटूथ के साथ आपको पेयर कर लेना है। पर यार ब्लूटूथ वर्जन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 4.2 वर्जन मिलता है कनेक्टेड। तो अब बात कर लेते हैं इसके वाटर प्रूफ टेस्ट और साउंड टेस्ट की। तो यार आप टेस्टिंग एंजॉय करो। यार वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से यार लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना, क्योंकि यार हम लोग लाते रहते हैं ऐसे ही नए ऑसम कंटेंट।